हमेशा से काफी ज्यादा खास माना जाता है, खास कहा जाता है। इस रिश्ते को लेकर ये दावा किया जाता है कि यहां माँ बेटी जैसा प्यार कभी नहीं हो सकता। सास और बहू के रिश्ते में जो थोड़ी सी हेजिटेशन और तकरार की दीवार है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। अब इन सबके बीच में अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर नजरें घुमाई जाए, तो इस इंडस्ट्री में भी सास और बहू की कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन पर हमेशा चर्चे होते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम के साथ मैं आपकी होस्ट मेघा, शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह पर बात करने वाली हूं। शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह, भले ही सैफ और अमृता का तलाक करीब 15 साल पहले हो गया हो, लेकिन शर्मिला टैगोर में आज भी अमृता सिंह को एक सास ही नजर आती है। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में पहुंची अमृता सिंह ने खुलासे किए थे सालों पहले। अमृता ने बताया कि उनकी सास जब उनसे पहली बार मिली, सास ने कैसा बर्ताव किया। बता दें आपको, शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह, ये दोनों एक फिल्म में सास बहू का किरदार निभा चुके थे। ऐसे में जब किस्मत कनेक्शन की वजह से ये दोनों रियल लाइफ में सास बहू बने, तब इनके बीच की तकरार और कड़वाहट अमृता सिंह ने सिमी ग्रेवाल के चैट शो में बताई। अमृता ने इसके साथ ही अपने ससुर का भी जिक्र किया, उनके स्वर्गीय ससुर किस तरह का बर्ताव उनके साथ करते थे। ये तमाम जानकारियां आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए, देखिए जरा। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे शर्मिला टैगोर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह, इनका रिश्ता शुरुआत से ही कैसा रहा है। बता दें आपको, सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान और अपनी मम्मी अमृता सिंह के बारे में बात करने से जरा भी शर्माती नहीं है। जो कुछ भी सैफ अमृता के बीच हुआ है, उसे लेकर बेटी सारा को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सारा हमेशा कहती हैं कि अच्छी बात है उनके मम्मी पापा जो हैं सेपरेट हो गए, क्योंकि सेपरेट हो जाने के बाद वो एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश हैं। 13 साल का अंतर रहा सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी में, जिसे लेकर सारा अली खान ने काफी कुछ कहा। शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के बारे में बात करती हुई सारा कहती हैं कि मेरी दादी कभी नहीं चाहती थी कि अमृता उनके घर की बहू बने। गौर हो कि 1991 में जब सैफ ने अमृता से शादी की, उससे ठीक 2 दिन पहले शर्मिला टैगोर को उनके रिश्ते के बारे में पता चला और उन्होंने अपने बेटे सैफ को चेतावनी दी। सैफ से कहा कि वो शादी ना करें, लेकिन सैफ अली खान नहीं माने और उन्होंने अमृता सिंह से गुपचुप शादी कर ली। जब शादी के बाद पहली बार शर्मिला अमृता से मिली, अमृता ने सैफ को टहलने के लिए भेज दिया। शादी करके जब सैफ अली खान अमृता को लेकर घर आए, शर्मिला टैगोर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। शर्मिला टैगोर ने यहां साफ तौर पर कह दिया सैफ अली खान को कि तुम बाहर जाकर टहलो। और इस दौरान शर्मिला अमृता एक दूसरे के साथ अकेले थे। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। अमृता सिंह शर्मिला की बात से इत्तेफाक भी रखती थी। चैट शो में सिमी ग्रेवाल के साफ तौर पर अमृता ने कहा कि अगर मेरी बेटी सारा कभी इस तरह का काम करेगी तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। बता दे आपको, शादी से पहले अमृता ने शर्मिला के साथ फिल्म सनी में काम किया। फिल्म में शर्मिला ने अमृता की सास का रोल किया और असल जिंदगी में भी शर्मिला टैगोर अमृता सिंह की सास बन गई। अमृता सिंह जो हैं, सिमी ग्रेवाल के चैट शो में खुद बताती हैं कि सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी से जब मुलाकात हुई, तब उनके ससुर के सामने मैं सैफ को अकेली छोड़कर घूमने चली गई। अमृता ने कहा, जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने धोखा दिया और अकेला सैफ अली खान मुझे छोड़कर चले गए। उनके मुताबिक मंसूर अली खान ने उनसे कहा था, प्रेस ने कहा था कि हमारी शादी 24 सप्ताह भी नहीं चलेगी। मंसूर अली खान ने अमृता से कहा कि अमृता, जब मैंने शर्मिला टैगोर से शादी की तो लोगों ने कहा था कि हमारी शादी 24 हफ्ते भी नहीं चलेगी, लेकिन हम 24 साल से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं।
उम्मीद है तुम भी यही करोगी। यानी अमृता सिंह का व्यवहार हमेशा से सैफ के पिता के साथ तो अच्छा रहा, लेकिन शर्मिला टैगोर के साथ उनका रिश्ता कभी भी मधुर नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही शर्मिला टैगोर इस रिश्ते के खिलाफ थी। यानी सास शर्मिला से अमृता को वो प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन ससुर ने हमेशा अमृता को सपोर्ट करते हुए कहा है कि शादी को आगे लेकर जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। 15 साल गुजर चुके हैं सैफ अमृता के तलाक को। इन 15 सालों में सैफ अमृता का रिश्ता काफी ज्यादा बदला है, लेकिन सासू शर्मिला के साथ अमृता का रिश्ता कैसा है, सासू माँ के साथ अमृता की इक्वेशन कैसी है, सारा अली खान ने इसका खुलासा किया और खुलासे में सारा क्या कह गई देखिए जरा। खैर, यहाँ तो जो होना था हो गया, लेकिन सैफ और अमृता के तलाक को 15 साल बीत चुके हैं और 15 साल बाद सैफ की माँ यानी अपनी एक्स सासू माँ के साथ अमृता का रिश्ता कैसा है, इसका खुलासा भी सारा अली खान ने किया। बता दे आपको, सारा अली खान यहाँ कहती हैं कि मैंने अपनी पहली कामयाबी को अपनी माँ अमृता सिंह के साथ मुंबई के सिंगल थिएटर्स में जाकर सेलिब्रेट किया है। बता दे आपको, सारा अली खान बताती हैं कि मेरे परिवार वालों को मेरी पहली फिल्म केदारनाथ काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि शर्मिला टैगोर को ये फिल्म अच्छी लगी। शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह, इनके बीच आज भी रिश्ता काफी ज्यादा प्यारा है। और इस बात का अंदाजा आप ये किस्सा सुनकर लगा सकते हैं कि जब सारा अली खान की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो दादी शर्मिला टैगोर ने अमृता सिंह को मैसेज किया और सारा अली खान की तारीफ की। सारा अली खान बताती हैं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी माँ अमृता सिंह और दादी शर्मिला टैगोर के जो भी रिश्ते हैं, बावजूद इसके मेरी दादी ने मेरी मम्मी को मैसेज किया और मेरी तारीफ की। सारा को इस बात की बेहद खुशी मिली कि उनकी फिल्म ने उनके परिवार को एक कर दिया। कम से कम दादी ने अमृता को अपनी तरफ से मैसेज किया। सारा अली खान कहती हैं कि दादी ने मॉम को मैसेज किया है, हमारी पिछली जिंदगी जो भी रही हो, दादी का मेरी मॉम को मैसेज करना मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात रही। यानी सारा के जरिए ही सही, लेकिन आज भी अमृता सिंह और शर्मिला टैगोर के रिश्ते मधुर है। यानी रिश्तों में जो मिठास अमृता और सैफ की शादी कभी नहीं भर पाई, रिश्तों में जो मिठास अमृता सैफ के एक हो जाने के बाद भी नहीं आई, वो मिठास पोती सारा अली खान के बॉलीवुड डेब्यू ने भर दी। आज की तारीख में आपको बता दें, सैफ अली खान भी खुलकर अमृता सिंह की तारीफ कर चुके हैं। सैफ खुलकर अमृता सिंह के प्रति अपना प्यार दिखा चुके हैं। ये कह चुके हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे अमृता का हाथ है। और सैफ अली खान से हटकर आपको बता दें, शर्मिला टैगोर भी काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत के साथ अमृता सिंह के प्रति अपने जज्बात निकालती हुई नजर आई हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। यकीनन फिल्मी दुनिया में रिश्ते बिगड़ना भी आसान है और रिश्ते बनना भी। इसी फिल्मी दुनिया में पलक झपकते ही रिश्तों की डेफिनेशन बदल जाती है और इसी दुनिया में एक छोटी सी पहल रिश्तों को एक बार फिर से खूबसूरत कर जाती है। पटौदी परिवार के रिश्ते फिलहाल इसका जीता जागता उदाहरण है। पटौदी परिवार के रिश्ते हमेशा से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है नहीं पता, लेकिन बीतते हुए वक्त के साथ हर रिश्ता मधुर बन जाता है। इससे ज्यादा खूबसूरत बात और भला क्या हो सकती है।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्तों की इक्वेशन हमेशा खबरों का बाजार गर्म करती है। शर्मिला और अमृता के रिश्तों को लेकर आज भी कयास लगाए जाते हैं। अंदर की बात क्या है यही जानते होंगे। सो गाइज, आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।